कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए। तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना यूएस टू इंडिया ट्रैवल व्लॉग। वैसे इस बार काफी सालों के बाद मैं इंडिया जा रही हूँ अपनी फैमिली से मिलने। ऑलमोस्ट 9 साल हो गए थे मुझे इंडिया गए हुए और बच्चे तो पहली बार इंडिया जा रहे हैं, वरना अपनी फैमिली को उन्होंने अब तक वीडियो कॉल्स पर ही देखा था। सो आज मेरी ही तरह बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। हम इंडिया जा रहे हैं कतर एयरवेज से, जो कि वॉशिंगटन डेलस से दोहा एंड देन दोहा से मुंबई फ्लाई करेगी। वैसे वर्जीनिया में जहां हम रहते हैं वहां से डेलस एयरपोर्ट पहुंचने में 1 से 1.5 घंटे आराम से लगते हैं, वो भी अगर ट्रैफिक ना हो। सो ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए हम घर से थोड़ा जल्दी निकल गए थे और इवनिंग के अराउंड 4:30 तक हम डेलस एयरपोर्ट पहुँच गए। बाकी यहाँ आने से पहले मुझे लगा कि समर टाइम चल रहा है तो काफ़ी भीड़ होगी एयरपोर्ट पर, लेकिन जितना सोचा था उतना क्राउड नहीं था यहाँ। सो हमारा लगेज वगैरह जल्दी चेक इन हो गया और चेक इन कराने के बाद हम आ गए अपने गेट पर बोर्डिंग के लिए। हमारी फ्लाइट लेट इवनिंग 8:40 को डिपार्ट होगी, सो बोर्डिंग अभी शुरू नहीं हुई थी। 1.5 से 2 घंटे बाकी थे बोर्डिंग शुरू होने में, तो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए हम एक लाउंज में आ गए। वैसे अगर आप प्लैटिनम कार्ड होल्डर हो तो एयरपोर्ट पर आपके लिए लाउंज एक्सेस फ्री होता है और लाउंज में आपको वैरायटी ऑफ फूड, ड्रिंक्स और उनके कई सारे सर्विसेज कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। प्लस लाउंज में आपके फ्लाइट का बोर्डिंग और डिपार्चर टाइम दोनों भी डिस्प्ले होता है। सो जब तक आपका बोर्डिंग टाइम शुरू नहीं होता आप आराम से लाउंज में बैठकर उनकी सर्विस एंजॉय कर सकते हो। सो यहाँ का मेल अयांस और स्मैन दोनों को ही पसंद आ रहा था तो बच्चों को डिनर मैंने यहीं करा दिया। वैसे भी मॉर्निंग में बच्चे जल्दी उठे थे और माइट भी फ्लाइट में जब तक डिनर सर्व होता शायद बच्चे सो जाते। सो हमारी फ्लाइट ऑन टाइम थी और लाउंज में अच्छे से रेस्ट करने के बाद ऑन टाइम हम अपने गेट पर चले गए बोर्डिंग के लिए। और अगर मैं अपने लगेज की बात करूँ तो जैसा कि हम कतर एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं, सो पर पर्सन या पर टिकट हम 23 किलोग्राम्स के 2 बैग चेक इन करवा सकते हैं और 7 किलो तक का आपको एक कैरी बैग अलाउड होता है। वैसे खैर उन्होंने हमारे कैरी बैग का वेट नहीं किया था, सो 4 टिकट्स के साथ हमने अपने कुछ 7 to 8 बैग्स चेक इन करवा लिए, जो कि हमें अब डायरेक्ट मिलेगा मुंबई एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट आने से लेकर फ्लाइट बोर्ड करने तक का सफ़र अब तक तो हमारा काफ़ी आराम से गया। फ्लाइट टाइम पर थी, बोर्डिंग या सिक्योरिटी चेक इन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फ्लाइट भी हमने टाइम पर ही बोर्ड कर लिया था और जैसे ही हम अपनी सीट पर आए बच्चों ने तुरंत ही अपनी अमेनिटी किट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अमेनिटी किट के अलावा दोनों बच्चों के लिए एक्टिविटी बैग भी उनके सीट पर रखा हुआ था, जिसमें कुछ कलर्स, पैड और स्टिकर्स रखे हुए थे। सो थोड़ी देर के लिए ही सही बच्चे इनके साथ ही एंगेज रहे। फिलहाल रात के 9 बज रहे हैं और हमारी फ्लाइट ने जस्ट किया है टेक ऑफ। वैसे कतर एयरवेज से हम पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, सो अगर मैं इनकी इकोनॉमी क्लास के सर्विस की बात करूँ तो सो फार अभी तक मुझे इनकी सर्विस अच्छी लगी। बेसिक अमेनिटीज के अलावा इकोनॉमी क्लास के हर सीट पर पैसेंजर के लिए ब्लैंकेट एंड पिलो रखा हुआ था, प्लस इनका लेगरूम भी मुझे डिसेंट लगा। साथ ही इनके सीट पर हेडरेस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है जिसे आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन सीट पर बैठने के बाद मेरे दोनों बच्चों की हाइट इनके हेडरेस्ट के मिनिमम लेवल तक भी पहुँच नहीं पा रही थी। सो बच्चों के लिए तो ये फीचर काम नहीं आया। तो अगर आप बच्चों के साथ इस एयरलाइन से ट्रैवल करने की सोच रहे हो तो उनके लिए अपने साथ हेडरेस्ट पिलो जरूर कैरी करें। वैसे अगर मैं इनके एंटरटेनमेंट फीचर्स के बारे में कहूँ तो इनका सिस्टम मुझे अप टू डेट लगा। बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवीज के अलावा वीडियो गेम्स भी थे, जिनको देखकर मेरे बच्चे तो काफ़ी एक्साइटेड हो गए और हमारी पूरी जर्नी के दौरान वीडियो गेम्स ने उन्हें काफ़ी बिजी रखा। तो जहाँ तक मुझे लगता है दोनों ने केवल एक आध मूवी ही देखी होगी, बाकी पूरी जर्नी के दौरान जितना भी जगह है बच्चों ने केवल गेम ही खेला है। फ्लाइट डिपार्ट होने के अराउंड 1 से 1.5 घंटे बाद हमें मिला है हमारा फर्स्ट मील एज अ डिनर। सो टिकट्स बुक करने के बाद ही हमने कतर एयरवेज के वेबसाइट पर जाकर अपने टिकट्स के साथ अपनी मील रिक्वेस्ट भी ऐड कर दी थी,
ताकि फ्लाइट में हमें वेजिटेरियन फूड ही मिले। वैसे इनके वेबसाइट पर मुझे 3 से 4 वेजिटेरियन फूड के ऑप्शंस दिख रहे थे, जिनमें से बच्चों के लिए मैंने सिलेक्ट किया वेजिटेरियन जैन फूड और हमारे लिए मैंने वेजिटेरियन हिंदू मील और वेजिटेरियन ओरिएंटल मील की रिक्वेस्ट की थी। वैसे जो भी सिलेक्ट किया था हमें वही फूड मिला। अगर अपने फूड का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे वेजिटेरियन जैन फूड और वेजिटेरियन हिंदू मील का मेन्यू ऑलमोस्ट सेम लगा। दोनों में राइस और साग टोफू की सब्जी के साथ होल मसूर की दाल थी। डिफरेंस केवल इतना हो सकता है कि जैन फूड में ऑनियन एंड गार्लिक नहीं होगा, बाकी ओरिएंटल फूड मुझे काफ़ी ब्लैंड लगा। उससे ज़्यादा तो मुझे जैन फूड पसंद आया जो कि मैंने सिलेक्ट किया था बच्चों के लिए। एंड देन डिनर के बाद हमें मिला बहुत ही यमी चॉकलेट मूस। जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का, छोड़े न छूटे कभी, तोड़े न टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का। बोर्डिंग के टाइम से ही आयांश और स्मैन काफी स्लीपी फील कर रहे थे, तो मुझे लगा कि फ्लाइट में जाते ही बच्चे सो जाएंगे, लेकिन डिनर वगैरह करके सोने में रात के 1 बज गए थे। वो भी मुझे बच्चों से उनका वीडियो गेम बंद करवाना पड़ा, तब जाकर दोनों को कहीं नींद आई है। वैसे फिलहाल हमारे फ्लाइट को डिपार्ट होकर 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और इस दौरान मैंने 1-2 मूवी देखी होगी और बीच में 1-2 बार कॉफी भी लिया था अपने लिए। सो अराउंड आधी जर्नी तय करने के बाद हमें मिला है हमारा सेकेंड मील, जिसमें 3 से 4 पैनकेक्स को आलू की ग्रेवी के साथ सर्व किया है, प्लस 1 बन और 2 तरह के बोल है फ्रूट के। वैसे जब सेकंड मील सर्व हो रहा था दोनों बच्चे सो रहे थे तो उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, बाकी वेजिटेरियंस के लिए ब्रेकफास्ट में यही सेम ऑप्शन था। मैं तेरा सरमाया हूं, जो भी मैं बन पाया हूं, तुमसे ही तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं, तुमसे ही तुमसे। फ्लाइट लैंड होने से 2 घंटे पहले हमें मिला है हमारा थर्ड मील। सो टोटल 3 मील सर्व किया गया था हमें कतर एयरलाइंस में हमारे 14 आवर्स की जर्नी के दौरान। इसके अलावा बीच में 1 बार पेस्ट्री भी दी थी, लेकिन उस समय स्मैन मेरी गोद में सो रहा था तो मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाकी टी कॉफी जूस और वाइन वगैरह आप अनलिमिटेड ले सकते हो इस फ्लाइट में। सो थर्ड मील में हमें मिला है राइस, आलू गोभी की सब्जी और कुछ सौटे की हुई सब्जियां, एंड अगेन बन एंड फ्रूट सैलेड। वैसे आयांश मैन से पहले उठ गया था तो मैंने उसे सॉल्टी पैनकेक खिला दिए थे जो हमें मिले थे ब्रेकफास्ट में। सो फिलहाल तो उसे कुछ खास खाने का मन नहीं था, बाकी देर तक सोने की वजह से इस मैन को तो काफी भूख लगी थी, इसलिए फूड सिंपल होने के बावजूद भी उसने अपना मील एंजॉय किया। तो बस अब थोड़ी ही देर में 14 आवर्स की लॉन्ग जर्नी तय कर हमारी फ्लाइट लैंड होने वाली है दोहा एयरपोर्ट पर। तो सो फार कतर एयरलाइन के साथ US से दोहा आने का हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिकर है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। US से मुंबई की हमारी पूरी जर्नी बाय फ्लाइट टोटल 20 आवर्स की होने वाली है, जिसमें से 14 आवर्स की जर्नी हमने ऑलरेडी तय कर ली US से दोहा आने में। और यहाँ दोहा एयरपोर्ट पर हमें अराउंड 3 घंटे का लेओवर मिला है, देन कनेक्टिंग फ्लाइट से हम जाएंगे दोहा टू मुंबई। वैसे कतर एयरलाइन से US से दोहा आने का अब तक का हमारा सफर काफी अच्छा रहा, लेकिन दोहा से मुंबई की जर्नी अब हमें तय करनी होगी इंडिगो एयरलाइन से। खैर वैसे इंडिगो से भी हम पहली बार ही फ्लाई करेंगे, सो देखते हैं कैसा होगा हमारा एक्सपीरियंस इंडिगो एयरलाइंस के साथ। बाकी दोहा एयरपोर्ट के बारे में जितना सुना था मैंने उससे कहीं ज्यादा लग्जेरियस इस एयरपोर्ट को पाया। साइज में काफी बड़ा और कमर्शियल लगा मुझे, इवन देखने में भी किसी हाई एंड शॉपिंग मॉल से कम नहीं होगा। 2 से 3 घंटे यहाँ घूमने के लिए मुझे काफी कम लगे, प्लस ज्वेलरी के कलेक्शन तो यहाँ ऑन पॉइंट है और इनकी गोल्ड के प्योरिटी के बारे में वैसे भी काफी सुना हुआ है। लेना भी चाहती थी कोई ज्वेलरी अपने लिए, लेकिन फिर इतनी सारे वेरायटी देखकर डिसाइड ही नहीं कर पाई कि कौन सा लूं, प्लस टाइम भी कम था और मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम का कोई आइडिया भी नहीं था मुझे।
वरना तो गोल्ड की प्राइस इंडिया के मुकाबले यहाँ थोड़ी कम थी। और फिर नेक्स्ट फ्लाइट लेने से पहले लाउंज ले जाकर बच्चों को कुछ खिलाना भी था, सो बस थोड़ा बहुत एयरपोर्ट घूमकर हम लाउंज में आ गए। वैसे यहाँ खाने पीने के लिए बच्चों के पसंद के काफी आइटम्स थे, सो दोनों बच्चों ने यहाँ काफी अच्छे से खाया। एंड देन फ्रेश वगैरह होकर हमने ऑन टाइम अपने नेक्स्ट फ्लाइट की बोर्डिंग कर ली। नेक्स्ट फ्लाइट में हमारी बोर्डिंग अच्छे से हो गई और अब दोहा से मुंबई की जर्नी हमारी अराउंड 3 घंटे की होगी इंडिगो एयरलाइन से। वैसे इंडिगो की सर्विस और फैसिलिटी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, ना ही सीट कंफर्टेबल थे और ना ही एंटरटेनमेंट के लिए कुछ था। प्लस मील के नाम पर एक छोटा सा बॉक्स दिया था जिसमें एक सैंडविच और बनाना ब्रेड मिला, दैट्स इट। इनके अलावा कोई रिफ्रेशमेंट नहीं, जूस कॉफी और चाय के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा और हर चीज के प्राइस काफी हाई थे। बाकी टिकट्स के प्राइस में कोई कमी नहीं थी, फेयर तो हमने सेम ही पे किया था। स्टाफ भी ठीक थे, लेकिन कंपनी से ही जब उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो आगे वो कस्टमर्स को सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे। सो ओवरऑल इंडिगो एयरलाइन से जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसमें वो खरा नहीं उतरा। बाकी लास्ट फ्लाइट का जो भी एक्सपीरियंस हो, मुंबई एयरपोर्ट हम टाइम से मॉर्निंग के 3 बजे तक पहुंच गए और यहां आने के बाद सबसे पहले सिक्योरिटी चेक इन हुई जो कि डेलस और दोहा एयरपोर्ट में भी हुई थी। एंड देन हम गए इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए जो कि काफ़ी जल्दी हो गया था, बिल्कुल भी लाइन नहीं था इमिग्रेशन काउंटर्स पर। देन अपना लगेज वगैरह कलेक्ट कर हम एयरपोर्ट से बाहर आकर अपनी फैमिली से मिले जो कि ऑलरेडी हमारा वेट कर रही थी। तो बस यही थी हमारी यूएस से मुंबई तक आने की जर्नी। अब जल्दी ही आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी। सो उम्मीद है कि आपको आज का ये प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी ही मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।